अभी हमें काढ़ा बनाना है, तो हम काढ़े बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी हमें उस पर ध्यान देना है। और पहली बात कि हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें बनाना क्या है, काढ़ा कि चाय, क्योंकि उस पर ही निर्भर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी किस चीज का क्या डालना है। इसके पानी भी निर्भर करता है कि अगर हम काढ़ा ज्यादा बनाएंगे, काढ़ा बनाना है तो हम उससे पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, और अगर हमें चाय पीनी है तो हमें पानी उतना ही रखना है कि जितना हमें पीना हो। तो अभी ये तुलसी है जो सभी के घर में पाया जाता है, हमें इजली अवेलेबल होता है। तुलसी के कुछ पत्ते, ये लौंग, इसके भी कुछ दाने हम यूज़ करेंगे, पुदीने के पत्ते, अजवाइन जो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, और जब भी अगर बॉडी में कोई सूजन होता है उसको बिल्कुल राहत देती है। मैंने जैसे कहा कि हम बिल्कुल दर्द से राहत के लिए बना रहे हैं तो अजवाइन बहुत फ़ायदा करता है। और अजवाइन एक और चीज़ में फ़ायदा करता है, अगर बलगम हो तो उसे निकालने में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये काढ़ा सर्दी खांसी हो तो भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये लेमन ग्रास, ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिलता है, इसके लंबी डंडियाँ आती हैं और जिसे हमने काट के रखे हुए हैं। अदरक, सबसे बड़ी चीज़ जो अदरक हमें बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन और हाई एंटीबायोटिक है, और ये हमारे बिल्कुल बॉडी को एक अल्कलाइन देती है जिससे कि हम किसी भी दर्द में राहत महसूस होता है। अगर कहते हैं कि अदरक के जूस को हम नी के ऊपर लगाएं तो उससे दर्द से निजात पा सकते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं, और बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बनाना क्या है, काढ़ा या चाय, तो उसी के अनुसार हम पानी लेंगे। ये ग्लास है, अगर हम काढ़ा बना रहे हैं तो ग्लास भर के पानी लेना है हमें बिल्कुल, और अगर चाय आपको बनानी है तो उतना ही लेंगे पानी जितना कि आपको पीना हो पड़ेगा। और इसमें काढ़े में हम तुलसी के पत्ते 10-12, 2 पीस लवंग, इसको हल्के से कूट लेंगे, कूट के डालना है, पुदीना के पत्ते और अजवाइन बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून, अदरक, जो लेमन ग्रास के हैं इसे डाल देंगे। आपने देखा है कि मैंने इसमें चीनी या गुड़ किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे, अभी हम ये काढ़ा बनाएंगे और इसे गैस पे हम रखेंगे और इसे बॉईल करेंगे। हमें इतना बॉईल करना है कि ये पानी बिल्कुल आधा हो जाए, इसे हमें ठंडा करके दिन में 3 बार 2 चम्मच करके हमें इसे लेना है काढ़े के तौर पर। और अगर आप चाय पीना चाहते हो तो बस एक उबाल आए और उसको ढक्कन लगा दे, छान के इसको तुरंत पी सकते। काढ़ा बनाएंगे तो काढ़ा बनाने के लिए हमें इसे गैस पे बॉईल करना पड़ेगा। अभी मैंने गैस ये ऑन किया और हम इसे तब तक बॉईल करेंगे कि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। एक बार उबाल आने के बाद इसे गैस बंद कर दें और ढक्कन लगा दें, और इसे छान के आप इमीडिएटली इसे तुरंत ही पी सकते हैं गर्मा गर्म। और अगर इसे काढ़ा बनाना हो तो काफी देर इसे बॉईल करना पड़ेगा जिससे कि इसकी पानी की दर बिल्कुल कम हो जाए, आधी आ जाए, और तब हम इसे छान के पी सकते हैं। ऐसे आप देख रहे हैं कि पानी बॉयल हो चुका है और ये चाय पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हम सिर्फ चाय ही पीना चाहते हैं तो तुरंत इसे हम छान सकते हैं, गैस को बंद कर देंगे और इसे बड़ी सावधानी से अच्छे से छान लेना है। बिल्कुल तैयार है हमारा काढ़ा, अभी से आप गर्मा गर्म ले सकते हैं। अभी ये चाय तैयार है, बट ये मैं बोलूंगी कि सिर्फ ये एक चीज के लिए ही नहीं है, बहुत सारी चीजों पे ये काम करता है। अगर आपके सर दर्द हो रहे हो और काफी स्ट्रेस फील कर रहे हो तभी आप इसका सेवन कर सकते हैं, अगर आपको सर्दी खांसी है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बलगम को निकालता है, आपकी खांसी में राहत देता है, क्योंकि इसमें लौंग और अजवाइन काफी फायदेमंद होता है। और दूसरी बात कि जहां तक मैंने बोला दर्द, तो दर्द के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर आप स्ट्रेस से निजात पाएंगे, सर दर्द से निजात पाएंगे, तो बॉडी बिल्कुल अल्कलाइन हो जाती है, आप बिल्कुल आराम से अपनी बॉडी पे काम कर सकते हैं, फिर दर्द भी हमें स्लोली स्लोली बहुत कम महसूस होने लगता है। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध